स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन अगेन फ्लक्चुएटिंग लोडिंग का सेकेंड पार्ट, वो है आपका एंड्यूरेंस लिमिट। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्यूरेंस लिमिट। एंड्यूरेंस लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पे कैसे डिपेंड करता है, उसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसका ग्राफ क्या होगा, तो स्टूडेंट इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि गेट और ईएस में इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एंड्यूरेंस लिमिट। एंड्यूरेंस लिमिट की डेफिनेशन होती है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दैट द स्टैंडर्ड that the standard specimen can withstand for infinite number of cycle when loading is completely reversible stress। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो एंड्यूरेंस लिमिट का जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट वो ये होती है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, मतलब आपके जो स्ट्रेस का जो एम्पलीट्यूड होगा सिग्मा ए वो स्टूडेंट मैक्सिमम होगा, that the standard specimen can withstand for the infinite number of cycle, means आपका जो rotating shaft का जो sigma max का amplitude होगा वो maximum होगा और उसमें जो आपका specimen है वो खड़ा रहे मतलब stand करता रहे for the number of turn के लिए, that can stand with the infinite number of turn when the loading is completely reversible stress, means एक आपकी जब जो लोडिंग होगी वो कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस होगी। मींस एंड्यूरेंस लिमिट ये कहती है कि आपकी जो आपका जो स्ट्रेस होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है रोटेटिंग शाफ्ट है वो स्पेसिमेन जब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न के लिए रहेगा और उसकी जो उसका जो वो होगा क्या कहते हैं आपकी जो लोडिंग होगी वो कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस पे एप्लीकेबल होगा, कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस के लिए। अब स्टूडेंट रिवर्सिबल स्ट्रेस क्या है मैंने आपको डिटेल में बताया है पिछली वीडियो में, तो आप एक बार वहां देखना आपको समझ आएगा। तो फाइनली क्या है एंड्यूरेंस लिमिट, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड दैट कैन स्टैंड स्पेसिमेन कैन विदस्टैंड फॉर द इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल व्हेन द लोडिंग इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करते हैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप ये देखो स्टूडेंट मैं इसका एक रोटेटिंग आपको एक रोटेटिंग का डायग्राम ड्रॉ करता हूं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखो ये स्टूडेंट मैंने एक स्पेसिमेन बनाया, ठीक है ये स्पेसिमेन बनाया स्टूडेंट, यहां पे क्या है यहां पे मैंने एक रोलर दे दिए मींस बेयरिंग टाइप के है ताकि इसको रोटेशन के लिए हेल्प करे, मींस इसकी जो रोटेशन होगी नंबर ऑफ साइकिल के लिए इसका हेल्प करेगा। तो ये यहां पे एक रोटेटिंग बेयरिंग है और स्टूडेंट इसको यहां पे क्या कर रखा है एक मोटर से कनेक्ट कर दिया, किससे मोटर से कनेक्ट कर दिया, जो ये एक स्टूडेंट किससे मोटर से कनेक्ट है जो इसका आरपीएम है 725 आरपीएम, कितने पे है 725 आरपीएम पे, ठीक है स्टूडेंट। अब जो इसकी टोटल लेंथ है स्टूडेंट वो यहां से कैलकुलेट होगी वो होगी हमारी 85 mm होगी टोटल लेंथ होगी। और स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है सेंटर पे एक डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है, सेंटर पे क्या हो रहा है डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है और जो इसका रेडियस है स्टूडेंट जो रेडियस है वो है आपका 250, रेडियस कितना है 250 mm, इसका रेडियस है 250 mm स्टूडेंट और इसका जो सेंटर में है वो 7.5
mm का, ठीक। जो सेंटर का जो इसका जो स्पेसिमेन का वो है डायमेंशन है वो 7.5 mm का है और ये जो टोटल लेंथ है वो 85 mm की है। इस पे क्या हो रहा है, सेंटर पे W लोड एक्ट हो रहा है और जो इसका रेडियस ऑफ कर्व है वो है 250 mm का। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है कि सपोज जैसे कि देखो अगर आपका ये रोटेटिंग शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट में सेंटर पे W लोड एक्ट हो रहा है, सेंटर पे जब W लोड एक्ट होगा तो उस पर कितना बेंडिंग इफेक्ट पड़ेगा, कितना बेंडिंग स्ट्रेस पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इस पर जितना लोड ज्यादा होगा, जितना लोड ज्यादा होगा उतना स्ट्रेस क्या होगी उसकी मैक्सिमम होगी, जितना लोड कम होगा उतना जो स्ट्रेस सॉरी जितना लोड ज्यादा होगा उतना स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, जितना लोड कम होगा उतना उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज अगर मैं इसको छोटा करके बना रहा हूं, अगर स्टूडेंट यहां पे क्या है W लोड एक्ट हो रहा है तो इसका जो बेंडिंग होगा, इसका जो बेंडिंग होगा स्टूडेंट वो होगा मैक्सिमम पे, इसका जो बेंडिंग होगा स्टूडेंट वो मैक्सिमम पे होगा, तो देयरफॉर इसका जो M बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका जो बेंडिंग मैक्सिमम होगा तो स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा बी इज इक्वल टू 32 m अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो बेंडिंग का फॉर्मूला बनेगा देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू 32 m अपॉन में पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा ए। और स्टूडेंट जब हम इसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, स्ट्रेस की एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या होगा इतने पॉइंट पे, तो ये होगा मेरा सिग्मा ए, ये स्टूडेंट सिग्मा ए होगा, मींस ये एम्पलीट्यूड होगा सिग्मा ए। और इस केस में क्या होगा सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा सिग्मा एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा डायग्राम बन गया किसका, एक बेंडिंग का। ये देखो इसमें जो बेंडिंग का आ रहा है वो सिग्मा बी इक्वल टू 32 m अपॉन पाई डी क्यूब विच इज इक्वल टू सिग्मा ए, और जो इसका एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड दिखा रहे हो सिग्मा ए इक्वल टू ए है, और इसका जो सिग्मा एम है मीन जो मीन है वो जीरो दिखा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी किसकी, इसके फॉर्मूले की। तो इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो ध्यान से देखो, यहां होगा लोड, यहां होगा स्पीड और यहां होगा लाइफ। और ये जो शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, देखो स्टूडेंट ये जो शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मींस ओमेगा, ओमेगा क्या था 2πn/60, उसके से ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये लोड हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W1, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी S1 और लाइफ क्या हो जाएगी इसकी M1। सिमिलरली वैसे ये आगे जब चेंज होगा, ये जब कुछ लोड और इंक्रीज कर देंगे तो ये W2 हो जाएगा, ये लाइफ क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी S2 हो जाएगी, और जो इसकी नंबर ऑफ वो है वो हो जाएगी N2। एंड सिमिलरली आगे का चेंज होगा तो ये होगा 3 S3 और N3। तो सिमिलरली स्टूडेंट ये इस प्रोसेस से ये चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये लोड है, स्पीड है और लाइफ है, तो W1 W2 W3 S1 S2 S3 एंड N1 N2 S3। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो स्टूडेंट ध्यान से समझो, अगर आपका लोड ये रोटेटिंग है, ये क्या है रोटेटिंग स्पेसिमेन है, अगर इस पे लोड एक पॉइंट पर पड़ रहा है, इस सेंटर पे लोड पड़ रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड होगा इसका जो मैक्सिमम होगा, जैसे लोड फैलता जाएगा, जैसे लोड अगर सपोज जैसे मैं अब दो उंगली से लोड लगा रहा हूं, दो से लगा रहा हूं, तो इसका जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिमिलरली तीन से लगा रहा हूं तो जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे ग्राफ में स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का है वो वेरिएशन करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंगल लोड पे स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ कुछ और दिखाएगा, डबल लोड पे कुछ और दिखाएगा, ट्रिपल लोड पे कुछ और दिखाएगा, मीन जैसे लोड का एरिया बढ़ता जाएगा तो एम्पलीट्यूड पे भी फर्क पड़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप, मतलब जैसे ये लोड है डब्ल्यू लोड का एरिया बढ़ता जाएगा, कि अभी सपोज इस पॉइंट पे आगे जाके देखो स्टूडेंट अभी सिंगल है, अगर मैं कहता हूं ये डब्ल्यू लोड अगर सिंगल है आगे जाके ये अब डबल हो गया, तो डबल होने से क्या होगा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं हमने क्या करा ट्रिपल कर दिया तो एम्पलीट्यूड और चेंज हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं मैंने इसका 4 times कर दिया तो एम्पलीट्यूड और चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट जितना मीन मेरा कहने का मतलब है कि जितना आप मेरा कहने का मतलब है स्टूडेंट जितना आप लोड बढ़ाते जाओगे उतना जो इसका क्या होगा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होगा वो उतना वेरी करता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ये फॉर्मूला है लोड स्पीड लाइफ और W1 S2 N1 W2 S2 N2 W3 S3 N3।
ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूं इसका बेंडिंग का। अब स्टूडेंट का बेंडिंग का बताता हूं आपको कि सपोज इधर देखो स्टूडेंट, इधर देखो कि सपोज आपके पास एक शाफ्ट है, सपोज आपके पास एक शाफ्ट है और ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन या हमने एक सर्कुलर बना लिया, तो इस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस पे एक बेंडिंग, इस पे बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रहा है, ये हो गया MB, इस पे बेंडिंग एक्ट हो रहा है। तो अगर देखो स्टूडेंट मैं इसका आपको देखो डिटेल में समझाता हूं कि सपोज अगर इसका सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, तो ये कर दिया मैंने ए ए वन, ये कर दिया मैंने ए टू, ये हो गया मेरा ए थ्री और ये हो गया मेरा ए फोर, ठीक है स्टूडेंट, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। अब देखो स्टूडेंट अगर मैं सेंटर से निकालता हूं तो ये क्या हो गया, देखो अलोंग ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा माइनस एक्स माइनस वाई। अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, तो अगर इस वाले पार्ट की अगर मैं ड्रॉ करता हूं देखो स्टूडेंट, तो इस वाले पार्ट पे मेरा एक्ट होगा टेंसाइल टेस्ट, क्या होगा मेरा टेंसाइल टेस्ट होगा। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो इस वाले पे होगा मेरा कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो शाफ्ट की बात कर रहा हूं देखो, इस वाले पे टेंसाइल एक्ट होगा सिग्मा टी और इस वाले पे एक्ट होगा सिग्मा सी। तो देखो अगर मैं बात करता हूं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए तो क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, क्या क्योंकि वो ओरिजिन पे, देखो ओरिजिन से जा रही है। सिमिलरली जैसे ही अगर ये ए से बी पे जा रहा है, ए वन से ए टू पे जा रहा है, तो जैसे ये ए वन से ए टू पे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि हल्का सा क्या है, देखो ये ऊपर की तरफ क्या दिखा रहा है, टेंसाइल दिखा रहा है। और सिमिलरली ए टू पे, ए वन से ए टू पे क्या है, ये टेंसाइल दिखा रहा है। और ए टू से ए थ्री पे, ए टू से ए थ्री पे क्या है, देखो नॉर्मल वही लाइन आ गई। और सिमिलरली ए थ्री से अगर ए टू ए फोर पे दिखेगा तो इस टाइप का क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको कंप्रेशन स्ट्रेस दिखा रहा है। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ अगर जब बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रहा है तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, उसका जो टॉप है उस पर अगर सेंटर से ऊपर जाएगा तो टेंसाइल दिखा रहे हैं, और अगर टॉप से नीचे की तरफ होगा तो आपका कंप्रेशन होगा। तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ बनेगा, टेंसाइल वर्सेस कंप्रेशन का ग्राफ बनेगा, तो ये देखो ये क्या है आपका सिग्मा टी और ये आपका सिग्मा सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट जीरो हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपका 90 डिग्री होगा, ये जो होगा ये होगा आपका 180 डिग्री होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 270 होगा, और ये लास्ट वाला पॉइंट होगा आपका 360 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाले पार्ट पे क्या है, देखो इस वाले पार्ट पे ये आपका टेंसाइल हो रहा है और इस वाले पार्ट पे आपका ये कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से देखो, बेंडिंग मोमेंट में इस तरफ में क्या दिखा रहा है, ये आपका सिग्मा टी हो रहा है, और इस तरफ में क्या हो रहा है, ये आपका सिग्मा सी हो रहा है। मींस इस तरफ में टेंसाइल हो रहा है, इस तरफ में आपका कंप्रेशन हो रहा है, एज कम्पेयर टू अगर पॉइंट बात करेंगे ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर से, तो उसका ये ग्राफ बनेगा। तो हेयर देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसकी एक इक्वेशन यहां पर नहीं होगी, तो देयरफॉर सिग्मा टी और सिग्मा सी, देयरफॉर सिग्मा टी और सिग्मा सी मींस टेंसाइल और कंप्रेशन। तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा इसका बेंडिंग का फॉर्मूला, क्या होगा तो क्या होगा एम बी वाई अपॉन में आई। तो देयरफॉर सिग्मा टी और सिग्मा सी इज इक्वल टू द एम बेंडिंग मोमेंट बी वाई अपॉन में आई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, हेंस इसका ये क्या होगा, ये होगा रोटेटिंग बीम, रोटेटिंग बीम सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। तो स्टूडेंट सिग्मा टी और सिग्मा सी इज इक्वल टू द बेंडिंग एम बी वाई अपॉन में आई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हेंस ये क्या होगा, रोटेटिंग बीम सब्जेक्ट, रोटेटिंग बीम सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मींस आपकी कोई एक रोटेटिंग बीम है, अगर उस पर डब्ल्यू लोड की वजह से बेंडिंग आ रहा है। देखो स्टूडेंट ये क्या है, आपकी एक रोटेटिंग बीम है, उस पर ये रोटेटिंग बीम है, देखो ये ना ये रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से, और इस पे बीच में अगर लोड पड़ रहा है तो उस लोड से जो ये बेंडिंग का जो फॉर्मूला है 32 m अपॉन में पाई डी क्यूब, उससे अगर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेंडिंग से, तो स्टूडेंट वो ये फॉर्मूला है, ऊपर की तरफ टेंसाइल नीचे की तरफ कंप्रेशन, और उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ क्या होगा टेंसाइल होगा, नीचे की तरफ कंप्रेशन होगा। तो देखो सिग्मा टी और सिग्मा सी इज इक्वल टू बेंडिंग बी वाई अपॉन में आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो रोटेटिंग बीम सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, आपका ये एंड्योरेंस लिमिट का सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारे फॉर्मूले है। अब स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको अगला टॉपिक समझाता हूं, ठीक है स्टूडेंट। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला टॉपिक बताता हूं आपको।
ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है आपका एंड्योरेंस लिमिट का। द फटीग, द फटीग टेस्ट कैन नॉट, द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड, कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर अनलिमिटेड, फॉर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट, फॉर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, द फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्ट फॉर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। मीन जो आपका फटीग टेस्ट होगा वो अनलिमिटेड के लिए नहीं होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के लिए नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट कितने कितने के लिए होगा, देयरफॉर 10^6 स्टूडेंट, 10^6 साइकिल इज कंसीडर एज सफिशिएंट, एज सफिशिएंट नंबर ऑफ, एज सफिशिएंट नंबर टू डिफाइन, नंबर टू डिफाइन द एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। तो स्टूडेंट आपका जो पहला है कि फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड, मीन जो फटीग टेस्ट होगा वो अनलिमिटेड के लिए कंडक्ट नहीं होता और फॉर द इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल के लिए फटीग टेस्ट नहीं कंडक्ट होगा। तो कंडक्ट कितने के लिए होगा फटीग टेस्ट, तो फटीग टेस्ट इज फॉर 10^6 साइकिल इज कंसिडर्ड टू द सफिशियंट नंबर टू डिफाइन द एंड्योरेंस लिमिट। तो स्टूडेंट इस नंबर को याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फटीग के लिए कितना डिफाइन होता है 10^6। तो therefore 10^6 साइकिल इज कंसीडर्ड टू सफिशिएंट नंबर टू डिफाइन द एंट्रेंस लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नॉन फेरस, therefore नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एंट्रेंस लिमिट cannot be defined the endurance strength। तो student for the non ferrous metal, जो आपका non ferrous metal है just like a aluminium, for the non ferrous metal and aluminium क्या होगा student, endurance limit cannot be defined, therefore aluminium the endurance limit cannot be defined the endurance strength ki matlab jo aapka non ferrous metal hoga aluminium us pe uska koi define nahi hoga endurance limit ka ya endurance strength ka। theek hai student, samajh gaye aap ye teeno point। ab fourth point ke liye kya hoga student, the stress of infinite, therefore stress of finite is fatigue strength, means the stress of finite, जो आपकी finite stress होगी वो होगी आपकी क्या, fatigue strength। और जो आपका last point है for the infinite के लिए, therefore the stress of infinite, the stress for infinite। तो स्टूडेंट इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, अभी देखो द स्ट्रेस फॉर फाइनाइट के लिए आपका फटीग स्ट्रेंथ, तो इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा आपका एंड्योरेंस लिमिट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके 5 पॉइंट हो गए, ये 5 पॉइंट को नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब आपको मैं ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए अब मैं क्या करता हूं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला पॉइंट हो गया फटीग टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड फॉर द अनलिमिटेड और द इनफिनिट नंबर ऑफ साइकिल, मीन जो आपका फटीग टेस्ट होगा वो अनलिमिटेड के लिए बिल्कुल भी नहीं है और इनफिनिट साइकिल के लिए तो है ही नहीं। और जो नंबर ऑफ साइकिल के लिए लिमिट है उसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी है, वो है आपके 10^6 तक, जो 10^6
साइकिल इज कंसिडर्ड द सफिशियंट नंबर ऑफ डिफाइन टू एंट्रेंस लिमिट, मीन्स 10^6 जो रेगुलेशन साइकिल होगी वो एक सफिशियंट नंबर है टू डिफाइन द एंट्रेंस लिमिट। अगला पॉइंट थर्ड, नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जो आपका नॉन फेरस मेटल होगा एल्यूमिनियम, द एंट्रेंस लिमिट कैनॉट बी डिफाइन द एंट्रेंस स्ट्रेंथ, उसकी जो एंट्रेंस लिमिट है वो एंट्रेंस स्ट्रेंथ नहीं डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेस फॉर द फाइनाइट, स्ट्रेस फॉर फाइनाइट के लिए क्या होगा, फटीग स्ट्रेंथ होगा, एंड द स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट FINIT, तो स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट के लिए होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, ये पांचों पॉइंट आप नोट कर लो, फिर मैं इसके क्या करता हूं स्टूडेंट आपको ग्राफ समझाता हूं। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर स्टूडेंट ये देखो ध्यान से देखना, स्टूडेंट ध्यान से देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ये हो गया आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जिसको सिग्मा बी से, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया जो सिग्मा बी से डिनोट होगा, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। सिग्मा बी से डिनोट होगा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है ना स्टूडेंट, रुको थोड़ा सा बड़ा इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं ताकि समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है स्टूडेंट ये, ये आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं सिग्मा बी, ठीक है स्टूडेंट, क्या है सिग्मा बी, ये आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ये है सिग्मा बी, ये है स्टूडेंट यहां पे हम देते हैं लो साइकिल, लो साइकिल, ये होगा हाई साइकिल फटीग, हाई ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका लो साइकिल, ये हो गया आपका हाई साइकिल फटीग। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से स्टूडेंट हमने यहां ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐसे आया, उसके बाद ऐसे हुआ और उसके बाद स्ट्रेट पैरेलल जाएगा, तो ये जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट मेरा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, एक ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये होगा मेरा SF और ये होगा मेरा SA, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट क्या होगा मेरा SF हो जाएगा और ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा SE हो जाएगा, और ये जो होगा ना ये होगा मेरा SUT, इस पॉइंट को बोलूंगा SUT, और ये होगा स्टैटिक लोडिंग, क्या होगा स्टैटिक, स्टैटिक लोडिंग, ये पॉइंट मेरा स्टैटिक लोडिंग होगा, ये पॉइंट मेरा SF होगा, और इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं फाइनाइट, ये होगा मेरा फाइनाइट लाइफ, फाइनाइट लाइफ, और ये होगा मेरा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइफ, ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा फाइनाइट लाइफ होगा, ये मेरा इनफाइनाइट होगा। अभी मैंने क्या है इसके सारे पॉइंट आपको लिखवा दिए, तो इनफाइनाइट के लिए आपका क्या है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे स्टूडेंट ये 10^6 होगा, ये होगा 10^0, इसको कर दिया 10^1, इसको कर दिया 10^2, ये हो गया 10^3, 10^5, एंड सिमिलरली 7, 8, 9, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 10^ ये 0, 10^0, 10^1, 2, 3, 5, 6, 6 पे क्या होगा आपका चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये ग्राफ, ये आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया, ये SF हो गया, ये SE हो गया, ये आपका क्या कहते हैं ये फाइनाइट हो गया, ये स्टैटिक लोडिंग हो गया, ये हाई साइकिल फटीग हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अगर आपका अप टू
इतने पॉइंट तक। देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस ग्राफ को और एक्सटेंड करता हूं, ये आपका देखो लो साइकिल है, ये आपका हाई साइकिल हो गया, ये आपका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हो गया, और ये होगा इस पॉइंट को कहेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ रेगुलेशन। ये क्या होगा आपका नंबर ऑफ रेगुलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अगर आपका ये जो एसयूटी है, एसयूटी अगर आपका इस पॉइंट तक मीन्स अगर आपका इस पॉइंट तक अगर ये सेम रहता है, जो आपका एंड्रेंस ये आपका क्या है आपका ये आपका इनफाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट लाइफ है। इधर देखो स्टूडेंट, ये देखो आपके फटिक स्ट्रेंथ है, अगर आपका इस पॉइंट से देखो स्टूडेंट अगर आपका इस पॉइंट से एक्सीड कर जाता है, मीन्स अगर आपका ये एक्सीड कर जाएगा, ये देखो इस पॉइंट पे तो ये जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट ये होगा आपका फेलियर का, ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका फेलियर का होगा। और इस पॉइंट के बाद स्टूडेंट इस पॉइंट के बाद क्या होगा आपका कांस्टेंट चलेगा, और ये क्या होगा आपका ये होगा सेफ के लिए, इस पॉइंट पे आपका सेफ रहेगा। जैसे ही आपका ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, एसयूटी बढ़ता जाएगा इस पॉइंट पे देखो बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा डिजाइन आपका क्या होगा फेल होना चालू कर देगा, ठीक है स्टूडेंट आपका। अब ये जो है आपका जो स्ट्रेंथ है ये आपका एंड्योरेंस है, इस पॉइंट पे ये देखो 10^6 तक पे, 10^6 पे क्या होगा जो एंड्योरेंस लिमिट, जो आपके एंड्योरेंस लिमिट की बात हो रही है वो स्टूडेंट क्या होगा आपका सेफ रहेगा, ठीक है स्टूडेंट 10^6 पे सेफ रहेगा। उसके बाद देखो ये आपका कांस्टेंट चल रहा है, मींस ये आपका सेफ रीजन है। इस पे क्या होगा जितना आपका मींस ये देखो अगर आप एसयूटी अगर आप जितना बढ़ाते जाओगे, मींस ये देखो इधर देखो स्टूडेंट जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे आप जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाओगे उतना ही ये क्या होगा ये पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, अगर मैं देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ग्राफ से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो मैंने बोल दिया ये रीजन, ये मेरा पॉइंट वन है, ये मेरा पॉइंट टू है, ये मेरा पॉइंट थ्री है। तो अगर मैं वन की बात करता हूं तो स्टूडेंट अगर मैं वन की बात करता हूं तो मेरा एसयूटी है ये क्या होगा मैक्सिमम पे होगा, इसके जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम पे होगी, तो उस केस में क्या होगा आपका फेल होना चालू होगी, ये फेल की कंडीशन रहेगा। सिमिलरली अगर मैं टू की बात करता हूं देखो इधर, तो टू में क्या होगा जो मेरा एसयूटी है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो और अब कम हो गया, तो कम होने पे भी क्या है अभी भी देखो क्यों, क्योंकि वो एंड्योरेंस लिमिट को पार कर गया है। तो ये पॉइंट है, अगर धीरे धीरे मैं इस पे और कम पे आता हूं तो कम पे आता हूं तो ये मेरा एसयूटी का जो आपकी जो स्ट्रेस है जो सॉरी जो आपका जो क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है अब और कम हो रहा है। तो मीन्स इस पॉइंट से जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं, देखो इस पॉइंट से एंड्योरेंस लिमिट के इस पॉइंट से मैं जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा हूं मेरा जो एसयूटी का जो एम्पलीट्यूड है वो और बढ़ता जा रहा है, मीन्स एम्पलीट्यूड जो आया है वो और बढ़ता जा रहा है। और उस केस में क्या होगा जितना बढ़ता जाएगा आपका डिजाइन उतना फेल होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अगर मैं कह रहा हूं ये पॉइंट है, 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 तो अगर बोलता हूं कि देखो ये फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, सेकंड पॉइंट की बात करूंगा तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, थर्ड की बात करूंगा तो और कम हो जाएगा, लेकिन अगर इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट का। तो इस पॉइंट पे आते क्या होगा आपका जो डिजाइन है वो है क्या कहते हैं सेफ रीजन पे चलेगा, और वो जो साइकिल होगी वो होगी रेगुलेशन 10^6 पे होगी, ठीक है स्टूडेंट। किस पे होगी 10^6 पे होगी। ये जो पॉइंट कहलाया जाएगा ये आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या आपका एंड्योरेंस पॉइंट होगा। उसके बाद में क्या होगा ये जितना ऊपर बढ़ता जाएगा उतना फेलियर कंडीशन होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट समझ गए। अब मैं इसका एक ग्राफ आपको और समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट अब ये ग्राफ मैंने ये है मेरा फटीक स्ट्रेंथ स्टूडेंट, ये पॉइंट है मेरा फटीक स्ट्रेंथ है जो एस है ऐसे डिनोट किया है, ये है मेरा क्या कहते हैं 10^6 ये है लॉग, और ये भी क्या है लॉग के रिस्पेक्ट में लॉग, ये क्या है 10^6 लॉग। तो स्टूडेंट जो मेरा ये जो पॉइंट होगा ना मेरा ये पॉइंट तो स्टूडेंट हर पॉइंट की बात करूंगा तो ये मेरा फेल रीजन होगा फेलियर, इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये भी मेरा फेलियर होगा, इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये भी मेरा फेलियर होगा, इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये भी मेरा फेलियर होगा। आफ्टर 10^6
ये जो होगा ना ये आपका सेफ निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी ऊपर एक्सीड करता जाएगा उतना क्या होगा आपका जो फर्टिल स्ट्रेंथ जितनी बढ़ती जाएगी ये उतना आपका फेल होता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे 10^6 पे क्या होगा आपका डिजाइन आपका सेफ रहेगा। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं, देखो इसकी एक ग्राफ और देखो समझाता हूं। देखो स्टूडेंट ये जो पार्ट ये हो गया मेरा log y और ये हो गया मेरा log x, log y एंड log x। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है स्टूडेंट इक्वेशन बनाता हूं। तो क्या लिखूंगा देखो, log y इज इक्वल टू m log x प्लस log c, log y प्लस m log x इक्वल टू log c। तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x m c, ये इक्वेशन बन गई किसकी लाइन की, ठीक है। log y इक्वल टू m log x प्लस log c विच इज इक्वल टू y इक्वल टू x m, y इक्वल टू x की पावर m और c, ठीक है कंडीशन। ये कंडीशन क्या स्टूडेंट, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको एक ग्राफ और बताता हूं, देखो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया कि आपका एल्युमिनियम के बारे में, एक और माइस्टील लेंगे एक एल्युमिनियम लेंगे उसमें एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, तो ये हो गया लॉग, इस पॉइंट पर भी मैंने ले लिया लॉग, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ, ये हो गया मेरा फटीक स्ट्रेंथ, ये मेरा फटीक स्ट्रेंथ हो गया। और ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट ये हो गया 10^6 पे, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया, ये 10^6 का हो गया। तो ये जो ग्राफ होगा स्टूडेंट ये होगा आपका किसका, एमएस का, एमएस मतलब माइल्ड स्टील का ग्राफ होगा, माइल्ड स्टील का ग्राफ होगा। अगर जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे स्टूडेंट तो एल्युमिनियम का ग्राफ ऐसे नॉर्मल जाएगा, एल्युमिनियम की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्मल ग्राफ होगा। तो ये होगा आपका एल्युमिनियम का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम किसका निकाल रहे हैं, हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ये हम स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो माइल्ड स्टील का क्या होगा, माइल्ड स्टील के ग्राफ हम निकालेंगे तो ये जितने भी रीजन होगा ये रीजन ये सारा फेलियर रीजन होगा स्टूडेंट, ये सारा फेलियर रीजन होगा, ये क्या होगा आपका सेफ रीजन होगा, ये रीजन होगा ये आपका सेफ रीजन होगा। और ये कहलाया जाएगा एंड्योरेंस लिमिट, और इसकी जो एंड्योरेंस लिमिट की जो रेवोल्यूशन है वो होगी 10^6 पे रहेगी। लेकिन जब बात करेंगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम पे कोई एंड्योरेंस लिमिट ऐसा स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, उसका सीधा कर्व जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एल्युमिनियम का क्या होगा आपका कर्व ऐसे नॉर्मल जाएगा। अगर जो माइल्ड स्टील का देखोगे तो माइल्ड स्टील का क्या होगा 10^6 पे, उस पे आपका फेलियर पॉइंट और आपका नॉन फेलियर आपका दिखाएगा, ठीक है एक्सप्लेन करेगा। देखो इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, तो ये जो ऊपर वाला रीजन होगा 10^6 के इस तरफ वाला होगा ये फेलियर वाला होगा, ये आपका सेफ रीजन होगा क्योंकि यहां पे दिखा रहा है ये एंड्योरेंस लिमिट को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखो वही दिखा रहा है फेलियर फेलियर, ये सेफ रीजन है, कहां तक फेलियर होगा 10^6 पे हो रहा है, ये फटीक स्ट्रेंथ है, ये लॉग वर्सेस में ग्राफ दे रखा है। सिमिलरली आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी है मैंने, लॉग वाई इक्वल टू एम लॉग एक्स प्लस लॉग सी, तो देखो वाई इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस सी। और सिमिलरली ये मैंने आपको बताया है ये है एम, ये ग्राफ दिखाया मैंने माइल्ड स्टील वर्सेस एल्युमिनियम में, तो माइल्ड स्टील जो माइल्ड स्टील है उसमें एक पॉइंट पे आपको फटीक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कब 10^6 पे। लेकिन जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम पे क्या होगा कोई फटीक स्ट्रेंथ का उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सीधा एक कर्व बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, आगे जाकर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा देखने इस ग्राफ पे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट अब आपको फटीक स्ट्रेंथ, अब आपको एंड्योरेंस लिमिट पता चल गई क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन पता चल गई क्या होती है, एंड्योरेंस लिमिट के किस पॉइंट पे एंड्योरेंस लिमिट एक्ट करती है, बिहेव करती है, नंबर ऑफ साइकिल किस पे डिपेंड करती है 10^6 पे, एल्युमिनियम पे क्या इफेक्ट होता है, माइल्ड स्टील पे क्या होता है इफेक्ट, वही पता चल गया स्टूडेंट आपको। ये एल्युमिनियम का पूरा ये आपका एंड्योरेंस लिमिट का ये पूरा एक ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये लो साइकिल है, ये हाई साइकिल है, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ये आपका स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये आपका एंड्योरेंस लिमिट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ये आपका सेफ चलेगा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ये फेलियर होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी उतना ये क्या होगा और फेल होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो रीजन है ये सारा फेलियर रीजन का है, ये आपकी फाइनाइट लाइफ है, ये आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट क्या होता है आपका फटीक के लिए क्या होगा, फाइनाइट के लिए और इनफाइनाइट के लिए क्या होगा स्टूडेंट, आपका फाइनाइट के लिए क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, ये होगा आपका फटीक स्ट्रेंथ,
ये क्या होगा आपका, यहां लिख रहा हूं फटीक स्ट्रेंथ, फटीक स्ट्रेंथ। और इनफिनाइट के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इनफिनाइट के लिए होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट, एंड्योरेंस लिमिट। तो देखो स्टूडेंट, फाइनाइट लाइफ के लिए होगा फटीक स्ट्रेंथ और इनफिनाइट के लिए होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट। मींस आपका इस पॉइंट से सारा क्या होगा, फटीक चालू हो जाएगा, फेलियर चालू हो जाएगा, और आपका जो ये रीजन होगा 10^6 से, ये होगा आपका इनफिनाइट और ये होगा आपका एंड्योरेंस लिमिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप एक बार इसको पूरा नोट कर लो डायग्राम को, ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं आपको इसके फैक्टर बताऊंगा कि आगे इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट के। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।